110 करोड़ का घोटाला होया है जी नगर निगम के कारण। मॉडल टाउन शहर के सबसे रिहायशी क्षेत्रों में से एक है। एक के करने से तो नहीं होगा सर, उनके नाम उजागर करूंगा, जनता ने अपील भी करूंगा कि ये जो घोटाला करने वाले ने तान का जूत मारो जी टिका के, क्योंकि पीछे टेम पर विधायक जी की टेबल पर पहुंच रहे हैं। ये बिल्डिंग बन रही है आपके सामने, कमेटी वाले आएंगे या अफसर आएंगे, एक रिबन टांग के चले जाएंगे, अंदर अंदर सब काम चलेगा इनका, और एक एक इंची के रात को कनेक्शन करवाते हैं। वो सीधा सीधा नगर निगम या जो और भी घोटाले। मामला संज्ञान में आया, सोचा आप सभी के साथ साझा करूं और इसके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए। ये मामला है नगर निगम के अंदर घोटाले का। सुनने में तो ये आ रहा है कि सबसे बड़ा घोटाला ये नगर निगम का अब तक हिसार के अंदर है। आपको बता दूं सबसे पहले कि घोटाला क्या है। घोटाला ये है जिस रोड के ऊपर मैं खड़ी हूँ, ये मॉडल टाउन है और यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई है, चाहे वो हॉस्पिटल की बात की जाए, ढाबों की बात की जाए, होटल की बात की जाए, सब यहाँ पर है। लेकिन एक बात आपने नोटिस की कि ये रेजिडेंशियल एरिया है लेकिन यहाँ पर कॉमर्शियल बिल्डिंग सबसे ज़्यादा है। इस बात की तफ्तीश करने के लिए हमने कई नेताओं से, कई जनप्रतिनिधियों से और कई यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों से बात की, तब हमें मामले का पूरा पता चला। चलिए आपको भी सुनाते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है और उन्होंने कैसे इस पूरे घोटाले का खुलासा किया। बगैर किसी CLU के रिहायशी क्षेत्र कॉमर्शियल में तब्दील हो रहा है। हर रोज बदलते मकानों के स्वरूप को देखकर ये प्रक्रिया भले ही सामान्य लगे, मगर ये हिसार नगर निगम के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। एक स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया कि अकेले मॉडल टाउन एरिया में ही 1,00,000 स्क्वायर मीटर से अधिक रिहायशी क्षेत्र को कॉमर्शियल में बदला जा चुका है। इससे हिसार नगर निगम को मिलने वाला 110 करोड़ रुपए वाला राजस्व न केवल घोटालेबाजों की जेब में चला गया है, बल्कि ये क्षेत्र अब रिहायश के लायक भी नहीं रहा। पूरे हिसार शहर की बात करें तो घोटालों की ये रकम पूरे घोटाले की मात्र 10% ही है। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया कि इस घोटाले की चेन आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ ठेकेदार, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग इंस्पेक्टर से लेकर नगर निगम की कई बड़ी मछलियाँ सब मिले हुए हैं। जोन बदलने के इस काले कारोबार में जहाँ सरकार और रिहायशी क्षेत्रों के आम नागरिकों को नुकसान हो रहा है, वहीं भ्रष्ट अधिकारियों की पोल बारह हो रही है। यदि अवैध बेसमेंट बनाने का ये खेल यूं ही जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मॉडल टाउन भूकंप जोन बन जाएगा, जिसमें भरभरा कर मकान गिरना आम बात हो जाएगी। इसे एक उदाहरण के जरिए समझिए। जैसे पहले रिहायशी मकान में जहां एक या दो या तीन व्यक्ति ही पानी के पीने का उपयोग करते थे, वहीं इस मकान में व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ने से इतने ही क्षेत्र में औसतन 30 लोग उस पानी का उपयोग करेंगे। ऐसे में पूरे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी होना तय है। साथ ही अवैध तरीकों से बेसमेंट बनने से यहाँ बने पुराने मकानों की जमीन जो है वो भी खोखली हो जाएगी। किए गए स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है कि रिहायशी क्षेत्रों को कमर्शियल में बदलने के इस खेल में नगर निगम के रेट फिक्स है। चाहे केस कोई भी लेकर आए, लेकिन सभी का हिस्सा उनकी टेबल तक पहुँच जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर ठेकेदार, आर्किटेक्ट से लेकर बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी इन्वॉल्व हैं। मेरे साथ JJP पार्टी के जितेंद्र शोरान मौजूद है, जो समाज सेवी भी हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक्टिव भी हैं। इनसे जान लेते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, तो आपके आसपास के एरिया के अंदर आपको जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अलावा कौन सी कॉमर्शियल बिल्डिंग अब तक देखने को मिली है, और क्या लगता है कि ये बिना अप्रूवल के यहाँ पर कैसे बनी हुई हैं? लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं कि जैसे जो मॉडल टाउन का जो एरिया है, जो बड़े पुराने टाइम से एक पास कॉलोनी के नाम पर कटा गया था रिहायशी तौर पर, वहाँ पर काफ़ी टाइम से नाजायज़ बिल्डिंगें बनती जा रही है, अवैध निर्माण भी हो रहे हैं, और होटल, हॉस्पिटल और मॉल वगैरह तक काफ़ी चीज़ें वहाँ पर बनाई गई है जो इनलीगल है, तो वो गलत है। अगर नगर निगम की कोई भी अधिकारी नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर कोई भी उसमें मिले हुए हैं तो उसकी जाँच अच्छे से होनी चाहिए, और हम सरकार के तरफ इस बात को भेजने का काम करेंगे कि अगर इस तरह कोई कार्य है तो वह गलत है, उसको रोका जाना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है मनोज राठी। सर, आपसे एक बार जानना चाहूंगी कि आप पिछली बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, लोगों की समस्या भी उठाते रहे हैं, इस समस्या को किस प्रकार से उठाने वाले हैं आप, जो यहाँ पर रिहायशी इलाकों के अंदर कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, इससे जनजीवन कितना प्रभावित होगा? देखो, हिसार का तो दिल है मॉडल टाउन। सबसे पहले ये इलाका जो है रिहायशी बनाया था, बड़ा सुंदर बनाया था,
लेकिन बड़ी देखो कितनी बड़ी बात है, आज अखबार में मैंने पढ़ी है 110 करोड़ का घोटाला होया है जी नगर निगम के कारण। देखो सीधी सी बात है बिल्कुल, ये इतने बड़े शहर में मॉडल टाउन जैसा वीआईपी एरिया के अंदर इतना बड़ा घोटाला, 110 करोड़ का घोटाला। मैं तो ये बताऊंगा जी कि इस 110 करोड़ में कौन कौन शामिल है, नाम बताऊंगा उनके। ये बिल्डिंग बन रही है आपके सामने, कमेटी वाले आएंगे या अफसर आएंगे, एक रिबन टांग के चले जाएंगे, अंदर अंदर सब काम चलेगा इनका। रिहायशी क्षेत्र के अंदर कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी है कि इसको नगर निगम की मिलीभगत के बिना अंजाम तक नहीं दिया जा सकता, और अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाती है तो नगर निगम की तरफ से नोटिस देकर उसे गिराया जा सकता है या फिर जुर्माना भुगता जा सकता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब हमने इसकी जांच की तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर गलत है वो गलत है, क्योंकि शहर में आपने अभी कई जगह देखा है जो छोटी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको मकानों को तो तोड़ा जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उस अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं समझा जाएगा, अगर ये लोग अमीर हैं तो ये अपने घर पर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये गलत करेंगे तो होता रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी और बहुत जल्द दुष्यंत चौटाला जी के संज्ञान में मामला लाया जाएगा। कि घोटाला हुआ है इसमें, 110 करोड़ का तो अखबार में आया हुआ है, और इसमें शामिल हैं हिसार का मेयर गौतम सरदाना जी और हिसार का विधायक। मन नु लगा जी विधायक के और उसके पास कमीशन बराबर गया है, बराबर बराबर कमीशन लिया है इनने। और इनसे भी मैं आगे बताऊंगा, एक यहाँ जो था खासा खासा कोई अधिकारी है टाउन प्लानिंग का, उसने गरीब आदमियों के मकान तोड़ दिए, गदागद पूरा दहशत फैला दी, भाई मैं ऐसे हूँ मैं वैसे हूँ। क्या खासा को ये दिखाई कौन देगा कि मॉडल टाउन में इलीगल बिल्डिंग बनने लग रही है? क्या दिखाई देते खासा साहब को? ना दिखाई तो देवे है, पर अण का पैसा अण की सिफारिश समय के ऊपर खासा साहब के पास पहुंच जावे है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से खासा साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आप दो कानून रखते हो क्या, एक अमीर आदमी के लिए और एक गरीब आदमी के लिए? क्योंकि पीछे टेम पर विधायक जी की टेबल पर पहुंच रहे हैं और यहाँ लाखों करोड़ों का खेल होया, 110 करोड़ का तो अखबार में आ रहा है बहन जी। 110 करोड़ तो सर शहर की जो भी बिल्डिंग है उसका सिर्फ 10% बताया गया है। इसके पीछे और देख लो आप जी, यहाँ 1000 करोड़ का घपला है। विधायक के पास हर महीने समय पर कमीशन पहुंच जाता है, मेरा सीधा आरोप है विधायक के पास विधायक बनने से पहले क्या था और आज क्या है। मेरे तो हिसार की जनता से अपील है कि ऐसे विधायक आगे जूता की माला गाल दो जो सरेआम सरेआम घपला करने लग रहे हैं। मॉडल टाउन में एक घपला 10% है, पूरे शहर में कितना होगा? और एक एक इंची के रात को कनेक्शन करवाते हैं, किसी भी आप हॉस्पिटल में चेक करवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो, कहाँ से कनेक्शन होते हैं, कहाँ से कनेक्शन होते हैं? पानी आता नहीं है यहाँ पर, 10 बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं यहाँ पब्लिक हेल्थ में आके, पानी नहीं आ रहा, इनकी चेकिंग करवाओ, कोई चेकिंग का नाम ही नहीं है, कहते करेंगे करेंगे, जबकि खुद को एक्सएनएससी को कुछ नहीं पता कि कौन सी लाइन कहाँ आ रही है, जबकि इन्होंने जितनी कोठी बनी हुई है सबकी इनकी पर्सनल लाइन है, इनका अंदर टैंक बना हुआ है, इनको क्या जरूरत पड़ी है लोगों की समस्या सुनने के लिए? क्या लगता है सर ये भ्रष्टाचार जो है पूरा भ्रष्टाचार पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट हर जगह फैला हर जगह ऐसे चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई भी सुनने वाला नहीं है, बहुत बुरा हाल है यहाँ हिसार का, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है इस टाइम हिसार के अंदर। कहीं भी कितनी अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, पेपर में निकल आती है, सब कुछ है, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर भाई। कार्रवाई होती तो इतने बड़े बड़े लोग ऐसे बिल्डिंगें उठा लेते, क्या नक्शा पास? अभी इतना बड़ा बना रखे, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना रखे, क्या इसका नक्शा पास है? मॉडल टाउन की बात करें तो मॉडल टाउन शहर के सबसे रिहायशी क्षेत्रों में से एक है, अगर यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग की जगह कॉमर्शियल बिल्डिंग बनने लगेगी तो सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या जो है आम जनता को भुगतनी पड़ेगी। आप ये बताओ ये मॉडल टाउन एरिया है, रिहायशी इलाका है, यहाँ लोग रहने के लिए मकान बनाया लोगों ने, लेकिन पिछले कई सालों से बहुत बड़ा गेम चल रहा है कि यहाँ रिहायशी जो इलाका था ना उसको कॉमर्शियल में तब्दील कर दिया, नंबर दो तरीके से, एक नंबर से नहीं, नंबर दो तरीके से। आप एक बात बताओ जी, कॉमर्शियल में नीचे वो होगी बेसमेंट बन गए, अब नीचे जब बेसमेंट बन गए तो सारी ज़मीन तोतली होगी, जो पानी है उसकी खपत कमर्शियल में ज़्यादा होगी, तो जो रहने वाले लोग हैं ना यहाँ मर जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, आवागमन व्हीकल्स का ज़्यादा होगा। एक उससे भी बड़ी बात है, उनके नाम उजागर करूँगा, जनता ने अपील भी करूँगा कि ये जो घोटाला करने वाले ने तान का जूत मारो जी टिका के, क्योंकि सब तबड्डे चोर ही ये हैं। इस मुद्दे को लेकर मॉडल टाउन के स्थानीय निवासी से जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है जो यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है। सर बताइए। मैम मैं मॉडल टाउन 111W का रहने वाला हूँ, मेरे एरिए के अंदर इस टाइम पानी की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, अवैध बिल्डिंग बन रही है जो जिनमें गैर कानूनी कनेक्शन ले रखे हैं, जबकि इनका कमर्शियल है,
डोमेस्टिक कनेक्शन है एक एक इंची के, जिसमें पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सोया हुआ है, सोया हुआ है। कोई भी ये आगे इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने ये कनेक्शन क्यों ले रखा है, जबकि हम अपने रेजिडेंशियल के हिसाब से जो हमारा बिल आता है हम पे करते हैं। ये क्या करते हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट एक समय सोया हुआ है क्या इनके, वो रात को कनेक्शन करवाते हैं। जितने हॉस्पिटल बने हुए सब में समोसिबल दिखा रखा है इन्होंने, क्या उनके कनेक्शन जाके अभी किसी ने चेक किया है क्या, चेक किया क्या? आज मैं मेरे गली के अंदर एक इंची पाइप लगा देता हूँ, पौना इंची कर देता हूँ, मेरे ऊपर पलंटी लग जाएगी। क्या ये रसूखदारों के ऊपर कोई का वो नहीं है? हाँ, मतलब रसूखदार आदमी सब कुछ करेंगे, आम आदमी का कोई वो नहीं है इसमें। अभी सामने वो लवली हेड हुआ, बाहर टैंक बना हुआ, जाके देखो आप जी। पौने पौने इंची के दो कनेक्शन है कोई, जबकि मैंने पीछे भी कहा था एक इंटरव्यू के अंदर आके चेक करो, मेन रोड के ऊपर 5000 लीटर पानी का टैंक है, बाहर समोसे पर लगवा रखे है। क्या इसीलिए लगवा रखे है? क्या सरकार नाम की कोई चीज़ है क्या? नहीं है ये सब, मतलब रसूखदारों का काम है सारा, और क्या काम है ये? यानी कि मेन अगर लगा के चले यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग बनने की वजह से आपके घर तक पानी तक नहीं आता, नहीं है, आता नहीं है। एक एक इंची के कनेक्शन, जितना हॉस्पिटल है किसी की चेकिंग करवाओ आप। ये पब्लिक हेल्थ वालों को मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, चेकिंग करवाओ आप, उनके बिल देखो आप, उनके बिल देखो क्या बिल दे रहे हैं वो। अब बात आती है नियमों की, नियम क्या कहते हैं? नियमों की माने तो नियम कहते हैं कि अगर इस तरीके से कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाती है तो नगर निगम से सबसे पहले CLU लेना पड़ता है। आमतौर पर जब सरकार या निगम की तरफ से रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कॉमर्शियल के अंदर बदलने की परमिशन दी जाती है तो उस संबंधित व्यक्ति से 11,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से फीस वसूल की जाती है। इस पूरे घोटाले का स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए जब टीम ठेकेदार के पास पहुंची तो कुछ समय तक तो वो टाल मटोल करता रहा, मगर जब उसे विश्वास हो गया कि इन्हें प्रस्ताव में रिहायशी मकान को कमर्शियल में बदलवाना है तो उसने इस भ्रष्टाचार की पूरी कहानी कह डाली। ठेकेदार बोला कि पैसे बटोरने के लिए नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने तो बकायदा दिहाड़ी पर बंदे रखे हुए हैं। वो दिहाड़ीदार लोगों को मकान बनाने से रोकने और उन्हें अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं। इसके लिए नोटिस देने से लेकर तमाम हथकंडे अपनाते हैं। ठेकेदार ने ये भी कहा कि नगर निगम के लोग रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल में बदलने वालों को शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, यानी कि उसका इशारा पैसों में डील करने वालों को लेकर था। बात करते हैं आर्किटेक्ट की। इस कड़ी में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले आर्किटेक्ट ने बताया कि रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल में तब्दील करना गलत है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। मगर जब स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो उसे ठेकेदार पृथ्वीराज का हवाला दिया तो वो तोते की तरह पूरी स्टोरी बताने लगा। उसने टीम को विश्वास दिलवाया कि आज कमर्शियल बिल्डिंग बनवा लो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसने दर्जनों ऐसे स्थानों के नाम भी गिनवाए जिनकी उन्हें पहले से सेटिंग करवाई हुई थी। किटेक ने कहा कि वो हमारे द्वारा प्रस्तावित मकान का नक्शा भी इस प्रकार पास करवा देगा कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही उसने कहा कि इस मामले में सब कुछ बिल्डिंग इंस्पेक्टर ही तय करता है। कुछ समाज सेवी और नेताओं से तो बात हो गई है, लेकिन अब लीगल एडवाइस ले लेते हैं सीनियर एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल से। सर, आपसे जानना चाहूंगी जो इस तरीके के घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है? ऐसा है जी, आए दिन नए नए तरीके ढूंढते हैं लोग और उसमें कुछ कर्मचारी भी संलिप्त होते हैं, सरकारी अमला भी और पॉलिटिकल आदमी भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह के हमें पता चला है कि हिसार में कुछ जगह जो कि रिहायश के रूप में यूज़ की जा रही हैं और रिहायशी प्लाट्स को, मकानों को, रिहायशी जो जगह पड़ी हैं जो रिहायशी में बन सकती है, उन जगहों को कमर्शियल में कन्वर्ट करके जिस तरह से बिना जो सरकारी शुल्क होता है, CLU का एक प्रोसीजर होता है, एक एक्ट है, एक्ट के अकॉर्डिंग उनकी कंप्लेंस करनी होती है, सरकार को उसका राजस्व मिलता है, उसे विकास होता है, सड़कें बनती हैं, स्वास्थ्य हमें मिलता है, बहुत सारा समाज का जो है ना गरीब तबका है उनको सुविधाएं मिलती हैं उस पैसे से। लेकिन कुछ अधिकारी और कुछ राजनेता मिली भगत करके जिस तरह से ये काम कर रहे हैं ये बिल्कुल अगेंस्ट कानून के अगेंस्ट है। इवन संविधान ने हमें बाकायदा एक प्रक्रिया के तहत जीने का अधिकार दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि रिहायशी मकानों के अंदर किसी तरह की न्यूसेंस नहीं हो सकती। आर्टिकल 21 है जिसमें क्लियर ये माना गया है कि आप किसी के भी
शांतिपूर्ण जीव में किसी तरह की बाधा पैदा नहीं कर सकते, लेकिन आए दिन केवल पैसों के लालच में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए लोग इस तरह से ये गलत काम कर रहे हैं। रिहायशी मकानों को, रिहायशी जगहों को इस तरह से ये कन्वर्ट करके कमर्शियल में वो यूज करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, आने वाला समय जब इसमें कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी तब लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होगी, लोग कोर्टों में जाएंगे, लोग फिर प्रशासन के सामने जाएंगे, फिर अनन फनन में वो लोग उन जगहों को तोड़ेंगे, फिर प्रशासन पे जब दबाव आएगा तो वो तोड़ेंगे, तब वो भ्रष्टाचार भी दब जाएगा, तब उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, जो आज पैसे दे के काम करवा रहे हैं वो लोग भी फिर रोएंगे। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि मॉडल टाउन का 110 करोड़ का जो घोटाला है वो सीधा सीधा नगर निगम या जो और भी घोटालेबाज है उनकी जेब में जाता जा रहा है। देखो जैसे वो न्यूज़पेपर की आप बात कर रहे हो, शायद एक न्यूज़पेपर ने लिखा है इसे, तो उसकी मैं जांच करवा देता हूं। लेकिन जो ये चीज़ें लिखी हुई ना उसमें 110 करोड़ तो 110 करोड़ एक बिल्डिंग में कहां से आ जाएगा, 1000 रुपये स्क्वायर फीट। मॉडल टाउन का लिखा हुआ है, मॉडल टाउन पूरे एरिया का नहीं, पूरे एरिया में तो पहले ही बताया आपको कई जगह तो नक्शे ही पास हैं। अब मान लो इसका जो आपने एक बिल्डिंग का पर्टिकुलर छापा है और एक उसमें आर्किटेक्ट का भी स्टिंग किया हुआ है, ठेकेदार का भी किया हुआ है, उसका कौन सा नक्शा पास है इसकी मैं जांच करवा देता हूँ। और इसमें कहाँ कहाँ नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और जो भी इसमें दोषी है चाहे वो BI है चाहे कोई अधिकारी है, वो बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। भाई ये मिली भगत से अगर ये कार्य हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, और ये गलत कार्य हम नहीं होने देंगे। हमारा काम था मामले को उजागर करना, मामले को उठाना, हमने वो किया, लेकिन अब देखते हैं कि नगर निगम की तरफ से इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या मेयर की तरफ से एक्शन लिया जाता है, क्या कमिश्नर की तरफ से एक्शन लिया जाता है। इसी मुद्दे के ऊपर पल टू पल की अपडेट मैं आपको आगे देती रहूंगी, तब तक जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ पर और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए ताकि लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से यहाँ पर जो है घोटाले का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। नमस्कार।